इंस्टाग्राम पे ये स्कर्ट्स इतनी वायरल है ना ऑफिस पहनकर जरूर जाऊंगी इसके साथ समर में ऐसे कपड़े इतने सुंदर लगते हैं ना गॉड और सस्ती वाली स्कर्ट ना यही होगी आई थिंक ऑलरेडी ये बेल्ट दे रखी है, है ये बेली फैट बहुत नॉर्मल चीज है तो वो हम प्लेयर दिखाया हुआ है और नीचे सही में अच्छा खासा फ्लेयर दे रखा है कॉटन की स्कर्ट्स में गिव अवे विनर अनाउंस होंगे जो भी उन... हेलो ईवान वेलकम बैक टू आवर चैनल आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे सो गाइस बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं कि दी मीशो की वीडियो डेली लाओ डेली लाओ तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं जो अपनी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ वो एम करने वाली हूँ मंडे वेनसडे और फ्राइडे मेरी वीडियो आएगी ठीक तो है अभी वेनसडे था तो लास्ट मेरी वीडियो तब आई थी और आज है फ्राइडे जिससे आप इस वीडियो को देख रहे हो और अभी मेरी प्लानिंग और कोशिश क्या है मैं आपको बता दूं कि एम मेरी वीडियोस आएंगी और संडे को मैं एक वीडियो डाला करूंगी हर संडे अभी फिलहाल यही कोशिश है कि हर संडे जो वीडियो डलेगी उसमें गिव अवे विनर अनाउंस होंगे जो भी उन तीन दिन के विनर्स थे तीन लकी विनर होंगे या छह होंगे जो भी होंगे वो मैं आपको क्लियर करूंगी कभी उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो वो मैं हर संडे विनर अनाउंस किया करूंगी और उन्हें गिफ्ट दूंगी चाहे वो कैश हो या जो भी हो क्योंकि आजकल कैश गिव अवे बहुत ज्यादा चल रहे हैं वीडियोज में और हंड्रेड रुपीज से हंड्रेड रुपीज पेटीएम या फोन पे कर दिए जाते हैं तो ठीक है यार अगर लोग कमेंट करके हंड्रेड रुपीज भी मिल रहे हैं तो भी बहुत है बैठे बिठाए बिना मेहनत करे तो अच्छी बात है जो लोग ये कर रहे हैं और मुझे एडवाइस आई है कि दी आप भी ये स्टार्ट करो ना ठीक है हम भी ये स्टार्ट करते हैं लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कैसे करना होगा मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगी ठीक है सो so, आज की वीडियो ऑलरेडी क्या है आपको और टाइटल से पता चल चुका है सो विदाउट चुकाउटिंग टाइम आज की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट तो so, आपने काफी सारे हॉल देखे होंगे मीशो के लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए ले लेकर आई हूँ मीशो की स्कर्ट्स का हॉल और जो मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर है मैं उन्हें बता दूं आप पहले तो वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल पे और आप मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस देखोगे सबकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ आप लोगों के सामने की जाएगी ताकि कोई भी जो स्पॉन्सर वीडियोस होती है ना उनमें कुछ और आता है कुछ और दिखा दिया जाता है ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है ठीक है तो मैं आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ खुद चीजें मंगवाऊंगी खुद आपको बोलकर दिखाऊंगी अच्छी होगी तो वो आपको सामने दिखेगी नहीं होगी तो डेफिनेटली बोल दूंगी कि नहीं है अच्छी ओके सो so ये मैंने फर्स्ट वाइट कलर की स्कर्ट ऑर्डर किया पिक्चर देख लो ठीक है सो so आजकल ना समर्स में मुझे ऐसे व्हाइट स्कर्ट्स बहुत अच्छी लगती है वेरी नाइस ओके सो ये देखो और ये व्हाइट कलर की स्कर्ट है पिक्चर देख लो पिक्चर में आपको अच्छा खासा फ्लेयर दिखाया हुआ है और नीचे सही में अच्छा खासा फ्लेयर दे रखा है कॉटन की स्कर्ट होने वाली है बहुत ही सुंदर मतलब सिंपल एंड एट द सेम टाइम क्लासी लगने वाली है मुझे ऐसी स्कर्ट्स पहननी बहुत पसंद है और मैं आपको बता दूं ये ना थोड़ी सी सी थ्रू होगी मतलब आपका अंदर का दिखेगा तो आप अंदर ब्लैक या स्किन कलर की शॉर्ट्स जो भी आप कंफर्टेबल हो वो पहन लेना और ये कैसे ड्रेसेस होती है कि आप इसे किसी भी मतलब ऐसा ड्रेस में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी टॉप के साथ किसी भी स्लीवलेस टॉप के साथ या किसी भी कुर्ते के नीचे भी आप स्कर्ट पहन सकते हो तो व्हाइट कलर की स्कर्ट है बहुत सारे तरीके से आए की यूज होने वाली है मैं यहां पे ड्रॉइन करके आपको इसी टॉप पे पहनकर दिखाऊंगी तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है सो so, अगर आप सोच रहे हो कोई ऐसी स्कर्ट लेने का या आप सोच रहे हो यार अपना थोड़ा कम्फर, जोन से निकलू क्योंकि यूजली ना मैं स्कर्ट्स वेयर करती ही नहीं हूं एक या दो बार मैंने की होगी तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा निकला जाए उससे कुछ अलग वेयर किया जाए क्योंकि जो लोग मुझे ब्लॉग चैनल पे देखते हैं उनको पता है कि मेरा क्या ड्रेसिंग वे है तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो क्या कर रहे हो यार जल्दी जाके करो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां रियल लाइफ स्टाइल अन फिल्टर लाइफ स्टाइल देख पाओगे तो जाके कर लो ठीक है तो कॉटन की स्कर्ट होने वाली है प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी है मतलब ऐसा नहीं है कि 400-500 रुपए की है और क्या ये नहीं कॉटन की स्कर्ट है सॉफ्ट वाला फैब्रिक है अच्छी खासी बनाई गई है वेरी नाइस nice. काफी तरीके से हम इसको स्टाइल कर सकते हैं तो हम इसको बुरा नहीं बोलेंगे तो सुंदर है अगर आप सोच का तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो ओके गाइस का चलते हैं आज के नेक्स्ट पार्सल में देख लेते हैं नेक्स्ट हमने क्या मंगवाया था और हमें क्या ऐसी हुआ है गाइस सो so नेक्स्ट पार्सल होने वाला है हमारा इसमें और ये देखो तो अगर कोई रखा uh, मतलब ओपन सील पार्सल मिले तो वो आप बिल्कुल भी मत लिया करो मैंने ले लिया था क्योंकि हल्का सा खोला हुआ था और उस टाइम घर तो कोई था नहीं और मैंने पिक्चर से भी मैच कर लिया था तो मुझे पता था सिमिलर ही प्रोडक्ट आया है ठीक है ओके गाइस सो नेक्स्ट होने वाला है जिसमें आपको ऑलरेडी ये बेल्ट दे रखी है और ये बहुत ब्यूटीफुल मतलब आप लोगों को लगता होगा क्या यार ये ब्यूटीफुल बोलती गाइस सच में मुझे जो चीज लगती है ना सुंदर उसके लिए मुझसे ही निकलता है ठीक है सो ये है बहुत ब्यूटीफुल सी स्कर्ट ये देखो बहुत ही प्यारी स्कर्ट लग रही है कितना ज्यादा प्यारा प्रिंट हो रखा है समर में ऐसे कपड़े इतने सुंदर लगते हैं ना बाई गॉड और इसको भी आप किसी भी कलर के टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हो व्हाइट पहन लो ब्लैक पहन लो ब्लू पहन लो इसके साथ कुछ भी पहन लो बहुत ही सुंदर स्कर्ट होने वाली है और इसकी फ्लेयर देखो बाप रे बहुत ही ज्यादा बड़ा फ्लेयर दे रखा है इसमें ठीक है और बता दो ट्रांसपेरेंट स्कर्ट है लेकिन डोंट वरी ट्रांसपेरेंट स्कर्ट के नीचे आपको प्रॉपर ये ब्लैक कलर की लाइनिंग लगा के दे रखी है ठीक है अच्छी लग रही है स्कर्ट और इसके साथ बहुत अच्छी लगने वाली है इस टॉप के साथ मैं आपको पहन के दिखाऊंगी बाय द वे टॉप भी मीशो से ही है इतना सुंदर टॉप लगता है ना मुझे ये और मैं आपको बताऊं ये ना आई थिंक 150 या वन एट्टी रुपीज का टॉप है और इसमें मुझे लगा जितने मैं कलर हो ना सारे ले लू लेकिन इसमें एक ही कलर अवेलेबल है, है जो कि है ब्लैक और इसका ना ये साइड कट आउट है मतलब यहाँ से ना ट आउट वाला टॉप है तो बड़ा प्यारा सा लगता है अगर इसका चाहिए तो आप मुझे बता देना वैसे तो मैंने आपको अपने एक हॉल में दिखाया था जो कि वीडियोस मेरी डिलीट हो चुकी है मेरे चैनल से ठीक है लेकिन ये स्कर्ट बहुत अच्छी है बहुत 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 अच्छी है इसमें पिंक कलर भी अवेलेबल है और भी कई सारे कलर अवेलेबल है लेकिन ये ये ना मेरे को थोड़ा डिफरेंट सा कलर लगा ब्लू ग्रीन ऐसा दो कलर का लग रहा है तो मुझे अच्छा लगा सो आई थॉट इसको ले लिया जाए और इसके ना मुझे बेल्ट बहुत अच्छी लगी है मतलब ना मैं आपको बताऊँ अगर आपको थोड़ा सा ऐसा बॉडी शेप है ना अगर आपको लगता है कि यार मेरी हेल्थ ज़्यादा है मैं क्या पहनूँ मुझे किसी पार्टी में जाना है या फिर आजकल लड़कियों का ना मतलब बहुत नॉर्मल है ये बेली फैट बहुत नॉर्मल चीज़ है तो वो हम कोई बॉडी कौन ड्रेस पहन लेते हैं ऐसी कोई ड्रेस पहने दिखता है तो हम चाहते हैं कोई ऐसी ड्रेस हो जो कि कंफर्टेबल भी हो सुंदर भी लगे और सस्ती भी हो और थोड़ी महंगी भी लगे तो वो है ऐसी ड्रेसेस और ये बहुत ब्यूटी लग रही है मुझे स्कर्ट बहुत ब्यूटीफुल से लग रही है मैं पे आप आपको ट्राइम करके दिखाऊंगी आप देखना कैसे लगी है ठीक है तो सारे प्रोडक्ट्स लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में और जल्दी से जाके परचेस कर लिया करो यार इससे पहले चीजें स्टॉक आउट हो जाए चलते हमारे आज के नेक्स्ट पार्सल पे देख लेते हैं नेक्स्ट हमने क्या मंगवाया था और हमें क्या रिसीव हुआ है नेक्स्ट पार्सल होने वाला है इसमें और मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है देखते हैं साथ में कि हमें क्या रिसीव हुआ है अगर आप भी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखना चाहते हो ना तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो की पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर कैटेगरी देखना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली आपके लिए लेके आऊंगी मुझे लगता है इस हॉल की सबसे सस्ती वाली स्कर्ट ना यही होगी आई थिंक वन या वन सिक्सटी की थी मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन ये बहुत सस्ती थी ठीक है तो ये जो स्कर्ट होने वाली है थोड़ी स्ट्रेट वाली स्कर्ट होने वाली है ठीक है अगर आपको ये मुझे आएगी भी देखते हैं गा स्ट्रेचेबल तो बहुत है आपको अगर ट्राई दिख गया तो समझ लेना मुझे आगे नहीं दिखा तो समझ आना नहीं आई ठीक है है तो देखो ये भी थोड़ी सी सी थ्रू इसके नीचे भी मुझे ब्लैक कलर की शॉर्ट्स पहननी पड़ेंगी लेकिन ऐसी कोई स्कर्ट ना मेरे पास थी नहीं और ना ऐसी स्कर्ट ना शॉर्ट्स अगर आप पहनते हो शॉर्ट्स के साथ बहुत अच्छी लगती है साइड में इसका कट दे रखा है बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाली है और ऐसा ना मैंने अभी तक कुछ पहना नहीं है तो मैं सोच रही हूँ इसको शर्ट के साथ पहनेंगे वाइट या ब्लैक कलर की शर्ट के साथ थोड़ा सा ऑफिशियल लुक आएगा थोड़ा मीटिंग वीटिंग में जाना है या ऑफिस आप जा रहे हो और मतलब थोड़ा आपको ऐसा लुक करना पसंद है ना तो आप इसके साथ जा सकते हो

स्कर्ट्स ही मंगवाई है मैंने सारी और ना मैंने कोशिश की सारी स्कर्ट था एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो फर्स्ट कॉटन की थी नेक्स्ट वाली फ़्लोरल थी थर्ड वाली थोड़ी ऑफिशियल थी और अब ये दिखाती हूँ मैं आपको कौन सी है और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ ऐसा मत सोचना कि मैं अपनी तारीफ़ खुद कर रही लेकिन ये रियलिटी है आपको मेरे अलावा यूट्यूब पर आप बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ देखते हो बहुत सारे लोग डालते हैं ऑब्वियसली लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं सिर्फ सस्ता और मीशो से फैशनेबल ना लेके आया मेरी सबसे इंपॉर्टेंट जो कोशिश होती है वो होती है क्वालिटी मैं क्वालिटी मेंटेन रखना चाहती हूँ जस्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज मैं ये नहीं चाहती कि मेरे मेरे लिंक से आपने ले लिया आज ले लिया आपने उसको दो बार पहना तीसरी बार वॉश किया और आपने दिव्या को गाली बकी क्या यार ये क्या दिखा रही थी और इतनी बेकार चीज निकली है एक वॉश में खराब दो वॉश में खराब तो ऐसा कुछ नहीं है मैं वही चीजें परचेज करती हूँ जिनके रिव्यू अच्छे होते हैं और जो मुझे लगता है कि क्वालिटी में भी अच्छे रहने वाले हैं आपके लंबे टाइम चलने वाले हैं जो लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो करते हैं उनको पता है कि ये टॉप मैंने कितने टाइम पहले लिया था इसको कितनी बार वॉश कर चुकी हूँ लेकिन स्टिल क्वालिटी मेंटेन है तो क्वालिटी मेंटेन रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसलिए कहते हैं कि चेहरे की सुंदरता से ज्यादा क्वालिटीज होनी चाहिए इंसान में ऐसे कपड़ों का है सुंदर है लेकिन क्वालिटी भी तो हो पहली बार में ही थोड़ी ना खराब हो जाए ठीक है नेक्स्ट कट होने वाली है ये कॉटन की और इसको लेने का रीजन सिर्फ यही था इसके लिए रिव्यू बहुत अच्छे थे मैंने कहा चलो इसको भी लेकर देख लेते हैं तो ये जो है स्कर्ट होने वाली है आगे से कुछ ऐसे दे रखी है और नीचे इस पर पूरा ऐसे प्रिंट हो रखा है छोटे मोटे फंक्शन में अगर आपको जाना है थोड़ा संगीत टाइप के या फिर कीर्तन में या फिर किसी भी ऐसे ट्रेडिशनल टाइप के फंक्शन में जाना है तो आप इसको भी स्टाइल कर सकते हो अच्छी खासी ज्वेलरी के साथ नीचे पे पूरे स्कर्ट पे ना आपको फॉइल प्रिंट हो रखा है ये देखो पूरा ये जो प्रिंट है ना इसको फॉइल प्रिंट बोलते हैं प्रॉपर आपको फॉइल प्रिंट दिया हुआ है प्रिंट भी बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल होने वाला है बहुत ही सस्ती स्कर्ट होने वाली है जो लोग दिल्ली में रहते हैं और जिन्हें पता है कि जनपद नाम की एक मार्केट और कहाँ पर है तो आपको पता होगा यही स्कर्ट है वहां पे तीन सौ चार सौ साढ़े चार सौ की भी मिलती है ठीक है लेकिन हम ढूंढ ढूंढ के मीचों से आप लोगों के लिए बहुत सस्ते में लेकर आ रहे हैं यार तो अगर आपको अच्छी लग रही है ब्यूटीफुल लग रही है तो आप ले सकते हो ऐसा नहीं है ये स्कर्ट सिर्फ मतलब कॉलेज या ऑफिस गोइंग गर्ल्स पहन सकते। नहीं अगर आप मैरिड भी हो ना और आपको स्टाइलिश चीजें पहनना पसंद है लेकिन एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि वो कवर्ड भी हो ज्यादा मतलब बॉडी भी आपके रिवील ना हो तो आप ऐसे कपड़े पहनो टॉप के इसके ऊपर शर्ट पहन लो देन ये स्कर्ट पहन लो या टॉप के ऊपर पहन लो अपने देखो कुर्ती तो एह, ट्रेडिशनल कपड़े ऐसे होते हैं ना कुर्ती हर गर्ल्स पहनती है मोस्टली गर्ल्स पहनती है लेकिन उसको कैसे आप स्टाइल में कन्वर्ट कर सको इट्स अप टू यू अब आप कुर्ती के नीचे सबकी तरह पैंट्स या लेगिंग पहन लो तो उसमें क्या ही अलग है नहीं है ना तो कुर्ती के नीचे थोड़ा स्कर्ट पहनो और प्यारा लुक आएगा तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रह करो यार इसके ऊपर कोई व्हाइट कलर की कुर्ती पहन लो शर्ट पहन लो टॉप पहन लो नेवी ब्लू कलर की स्कर्ट मैंने मंगवाई है इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं आपको अच्छी लगे तो आप डेफिनेटली जाके परचेस कर सकते हो चलते हमारे आज के नेक्स्ट पार्सल में देख लेते हैं नेक्स्ट हमने क्या मंगवाया था और हमें क्या रिसीव हुआ है ओके गाइस सो नेक्स्ट पार्सल होने वाला है इसमें और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारा हॉल हो मतलब आपका और मेरा ठीक है हम इसको साथ में ही देख रहे हैं दिव्या को हॉल हो और उसमें ब्लैक कलर ना हो नॉट पॉसिबल ये तो मतलब वो हो जाएगा गलत हो जाएगा फिर तो है ना तो आज आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा ज्यादा बोल रही हूँ मन कर रहा है यार इतने दिन रो कर आई हूँ मैं मतलब मेरी पचास साठ वीडियोस डिलीट हो गई इतना रोई हूँ अब तो मैं बोलूंगी अब तो बोलना बनता है ये देखो ये है प्लेटेड स्कर्ट जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है इंस्टाग्राम पे ये स्कर्ट्स इतनी वायरल है ना इतनी वायरल है और होना भी चाहिए क्योंकि सुंदर भी तो है यार ये देखो ब्लैक कलर की स्कर्ट है इसको आपको कोई प्रेस करने की जरूरत नहीं है सीधा उठा लेना और पहन लेना इस पे पूरी पूरे पे प्लेट प्लेटेड दे रखी है पूरी प्लेटेड स्कर्ट होने वाली है और थाई से नीचे आने वाली है एंकल लेंथ से थोड़ी ऊपर आने वाली है लेकिन बहुत ही सुंदर लगने वाली है कपड़ा इसका बहुत सॉफ्ट वाला है बहुत अच्छा वाला है और ये बताऊँ थोड़ा ना महंगी मतलब जारा वारा अगर आप जाते हो ना वारा क्या होता है ज़ारा ही होता है यार हाँ अगर आप जारा वगैरह जाते हो तो आप देखते होगी कि वहाँ पे ना ऐसी स्कर्ट्स मिलती हैं और लिटरली बहुत एक्सपेंसिव प्राइस में मिलती हैं लेकिन देखो हम उसको कॉपी ही पहने तो बहुत ही अच्छी लग रही है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है सिंपल और क्लासिक अब आपके ऊपर है आप, आप स्लीवलेस पहनते हो तो इसके पास इसके साथ प्यारा सा स्लीवलेस टॉप पहन लो रॉयल ब्लू कलर का वाइट कलर का ब्लैक कलर का नहीं तो आप डायरेक्ट ये स्कर्ट पहन लो और इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल हैं और ब्यूटीफुल लगने वाली है यहाँ पे आपको ट्रायल दिख जाएगा ठीक है ओके गाइस सो आज का जो हॉल था वो हमारे एक डिमांड पे था आई होप कि आपको आज का हॉल अच्छा लगा होगा सारी स्कर्ट की कलेक्शन अच्छी लगी होगी और कमेंट करके जाया करो यार मुझ पर सबसे अच्छी स्कर्ट कौन सी लग रही है ताकि मैं ब्लॉग चैनल पे उसको पहनकर घूम लू ठीक है सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो शेयर कर लो यार कर दो जल्दी से शेयर बहुत बहुत नुकसान हो गया आप साथ में मिलकर उसको कवर करना है ठीक है और नेक्स्ट हॉल कौन सा देखना चाहते हो कमेंट करके जाना क्योंकि मैं भी अब कंफ्यूज हूँ कि आपको क्या दिखाऊं इतना कुछ दिखाया था कहाँ से शुरू करूँ ये बता के जाओ ठीक है और गिबेबल निकालते हैं बहुत जल्दी इस वीक के बाद नेक्स्ट मंडे से गिवे स्टार्ट करते हैं संडे को उसके रिजल्ट अनाउंस करते हैं कुछ अलग करेंगे मजा आएगा अकेले नहीं करूंगी मेरा चैनल नहीं है मैं हमेशा बोलती हूँ हम सबका है हम सब मिलकर करते हैं इस साल पर जो भी करते हैं आप लोगों के कमेंट के बेस पर ही मैं चीजें प्रोडक्ट्स तक आप लोगों के कमेंट के बेस पे लेके आती हूँ आपके इंस्टाग्राम के डीएम पे लेकर आती हूँ तो याद दे दिया करो यार ठीक है तो मिलते मैं आपसे तीन बजे मेरे ब्लॉग चैनल पर जिन्होंने अभी तक ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो क्या कर रहे हो जाके कर रहे हो देखो वहां पर मेरी जिंदगी मेरी रियल लाइफ देखो जो लोग बोलते हैं ना हम शादी से परेशान है वहां जाकर देखो आप कुछ भी हो सकते हो ठीक है तो मिलोगी मैं आपसे तीन बजे मेरे ब्लॉग चैनल पर तब तक बाय टेक केयर लव यू